मुंडा पांडे क्षेत्र में आई बाढ़ से हुई तबाही का आज डीएम शीरेंद्र कुमार, एसएसपी बबलू कुमार ने राजस्व विभाग की टीम के साथ पहुंचकर चकलालपुर और रानिया ठेड़ के बाढ़ के पानी से हुए नुकसान का जायजा किया। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों किसानों की धान और उड़द की फसल की कटाई चल रही थी और किसानों का सारा अनाज खेत में ही कटा हुआ पड़ा था। अचानक बेमौसम हुई मूसलाधार बरसात से क्षेत्र में बाढ़ सी आ गई थी। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें खेतों में ही पूरी तरह पानी से बर्बाद हो गई थी और बाढ़ के पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि गांवों की सड़कें पानी के साथ ऐसे बह गईं कि जैसे कोई तिनका हवा में उड़ जाता है। इसी वजह से कुछ गांवों का संपर्क जिले से कट गया है और पानी अभी भी रानियाठेड़, जगरमपुरा, चकलालपुर में सड़कों के ऊपर से होता हुआ बह रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों ने डीएम से मांग की है कि जल्द ही इन सड़कों को ठीक कराएं। अगर ग्रामीणों की माने तो जगरामपुर में बाढ़ के पानी से धर्मपाल सिंह, मीरा देवी, मुन्नी देवी, पप्पू सिंह, सुनील कुमार, जयपाल सिंह, शेर सिंह के मकान बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव वालों का आरोप है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने गांव पहुंचकर हमारी कोई सुध नहीं ली है। तो वहीं डीएम शैलेंद्र कुमार ने किसानों और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जिसका जितना भी बाढ़ के पानी से नुकसान हुआ है उसका सही से निरीक्षण कराकर उसका उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। अभी PWD वालों थोड़ा सा मिट्टी डाल का ना, पत्थर डाल का निकलने उकलने को हो जाए थोड़ा सा, सारी रोड चालू हो जाए। हम जा रहे हैं आज ही, हम PWD वालों के साथ बैठक कर, ब्लॉक अध्यक्ष भाषु अचली। आज मुरादाबाद से जिलाधिकारी SSP जो बाढ़ क्षेत्र है इसका जायजा लिया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या किस तरह का निरीक्षण किया अधिकारी द्वारा, क्या ग्रामीणों को इस चीज से संतुष्ट के अधिकारी आ रहे हैं? अधिकारी रास्ता खराब थी, अधिकारी आज आए, एक दिन के बाद आए, ठीक आए, पूरा डीएम साहब पूरा आश्वासन दे के गए हैं कि हम का इसका 100% नुकसान का मुआवजा दिलाने की बात करेंगे। जो किसान के व्यक्तिगत घर में या धान गेहूँ की जो फसल घर में थी और जो नष्ट हो गए गेहूँ धान घर के, उसका भी सर्वे कराएंगे, जिसका मकान खराब हुआ उसका भी सर्वे कराएंगे। किस तरह के मुआवजे दिए फसलों के लिए? तो 100% के लिए कह रहे हैं, खेतों में तो किसी के नहीं उतरे, पानी था अभी खेतों में, और उसके लिए वैसे 100% उन्हें देख के, क्षेत्र की स्थिति देख के लेखपालों को जांच की टीम के लिए कह रहे हैं। कितना पानी चल रहा है इस टाइम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गाँव के अंदर जो बाढ़ का पानी है? अभी तो लगभग साहब बहुत पानी है गाँव के अंदर और अभी निकल रहा है, कम हो रहा है प्रतिदिन। क्या प्रशासन द्वारा कोई राहत सामग्री या कुछ पहुंचाई गई है? अभी कोई प्रशासन के द्वारा ना तो कोई राहत सामग्री आई है और ना ही कोई प्रशासन के इस तरह के कर्मचारी या अधिकारीगण आज पहली बार आए हैं, कोई मदद ना मिली है, कोई मदद नहीं है किसान को। तो आप इसे निरीक्षण से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, निरीक्षण से तो संतुष्ट हैं, क्योंकि आज डीएम साहब भी है, कप्तान साहब भी है, सीओ साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, तो सारी टीम थी, तहसीलदार साहब भी है, तो इस चीज़ से तो खैर हम संतुष्ट हैं।